नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमएससी थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस की चर्चा करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे कि उन्हें एमएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो प्रोवाइड करवाया जाए एमडीएस यूनिवर्सिटी का, तो आइए देखते हैं कि उनका सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस सिलेबस का लाभ मिल सके और वह अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर स्कीम 2019-20, यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो है एमएससी फिजिक्स का, वो यहाँ पर है। तो हमें देखना है थर्ड सेमेस्टर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर। टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 400 नंबर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100-100 नंबर के प्रत्येक पेपर होंगे। तो यहाँ पर 4 थ्योरी पेपर्स हैं, 4 पेपर आपके लगेंगे इस सेमेस्टर में। उसमें एक पेपर आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट, दूसरा पेपर है स्टैटिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तीसरा पेपर है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, और चौथा जो पेपर है वो है इलेक्टिव पेपर, यानी आपको इन चारों में से एक पेपर है वो सिलेक्ट करना है और वो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जो जैसा कि आप जानते हैं वो अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर किसी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें सिर्फ एक ही पेपर ब्रांच वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वही पेपर मिलता है जो आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इन चारों में से, यानी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स फर्स्ट और एनर्जी स्टडीज फर्स्ट, इन चारों में से एक पेपर आपको चूज करना होता है और 3 पेपर आपके ये लगते हैं। इस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में ये 4 पेपर लगते हैं जो टोटल 400 नंबर के हैं, 100-100 नंबर का प्रत्येक पेपर है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक और यूनिट्स जो हैं वो सम्मिलित की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट, टोटल मार्क्स 100 नंबर हैं। नोट में लिखा गया, सिलेबस ऑफ ईच क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 यूनिट्स, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 यूनिट के अंदर डिवाइड होगा। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और टोटल तीनों पार्ट मिलके टोटल नंबर है उसके 100 होंगे। पार्ट ए के अंदर आपके पास क्या रहेगा, 25 नंबर का पार्ट ए रहेगा, उसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का होगा। पार्ट बी जो है वो 30 नंबर का होगा, उसमें आपके पास 9 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 6 नंबर का होगा। पार्ट सी जो है वो 45 नंबर का है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपका प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर जो है किस प्रकार के टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स है अपना पेपर फर्स्ट यहाँ पर। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 न्यूक्लियन सिस्टम एंड न्यूक्लियर फोर्सेज से संबंधित यूनिट फर्स्ट के अंदर बातें रहेंगी। इसमें जनरल नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस, यानी न्यूक्लियंस के मध्य जो फोर्स लगता है उसकी सामान्य प्रकृति क्या है, सेचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, चार्ज इंडिपेंडेंस एंड स्पिन डिपेंडेंस, जनरल फॉर्म ऑफ 2 न्यूक्लियंस इंट्रैक्शन, सेंट्रल नॉन सेंट्रल एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल एनालिसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट 3s1 ऑफ ड्यूट्रॉन यूजिंग ए स्क्वेयर वेल पोटेंशियल, रेंज डेप्थ रिलेशनशिप। इस प्रकार से ये टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियन न्यूक्लियन स्कैटरिंग एंड पोटेंशियल का, इसके अंदर पार्शियल वेव एनालिसिस ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं एट लो एनर्जी एग्जूमिंग सेंट्रल पोटेंशियल विद स्क्वेयर वेल शेप, यानी इस प्रकार से टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, जिनको आप देख सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताया गया है, यूनिट नंबर 2 में ए क्वालिटिव डिसीजन ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी, गुणात्मक विश्लेषण जो है प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग का लो एनर्जी पर, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जनरल फीचर ऑफ 2 बॉडी स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी, इफेक्टिव ऑफ एक्सचेंज फोर्सेज, यानी जो एक्सचेंज फोर्सेज है उनका क्या प्रभाव होता है, और हाई एनर्जी के ऊपर जो 2 बॉडी स्कैटरिंग है उसके क्या सामान्य गुण हैं, हमें इनकी चर्चा करनी है। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल विद मैटर नोट डेरिवेशन, यानी डेरिवेशन हमें नहीं करना, सिर्फ इसके बारे में अध्ययन करना है। लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अटेंशन कोफिशियंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, ये सब टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हमने
अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, बीएससी के लिए भी लगते हैं, ये लागू होते हैं, इसलिए वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, गैस फील्ड काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर, क्रेनको काउंटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये सब है, यानी डिटेक्टर और काउंटर से संबंधित बातें इसके अंदर आती हैं। अब देखते हैं अपना पेपर नंबर सेकंड जो था, तो पेपर नंबर सेकंड अपना रहेगा स्टैटिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, 3 घंटे का पेपर है, वही सिस्टम है जो फर्स्ट पेपर के अंदर था। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया, बेसिक प्रिंसिपल कैनोनिकल एंड ग्रांड कैनोनिकल एनसेंबल, यानी कि स्टैटिक से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे आप बीएससी में पढ़ते हैं स्टैटिकल फिजिक्स नॉर्मली, उसका एक वाइड रूप यहाँ पर दिया गया है, मुख्यतः टोटल फोकस इस पर किया गया स्टैटिकल फिजिक्स के ऊपर। जैसे दूसरे यूनिट के अंदर आता है पार्टीशन फंक्शन है एंड स्टैटिक्स है, पार्टीशन फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, पार्टीशन फंक्शन फॉर एन आइडियल गैस एंड कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज, गिब्स पैराडॉक्स, वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, आइडियल डायमेट्रिक गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ डायमेट्रिक गैस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बोसोन सिस्टम है, ये सब सिस्टम जो है यहाँ पर स्टैटिकल्स के लिए लगते हैं यूनिट नंबर दो के अंदर। यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड जो है वो है थ्योरी ऑफ मेटल्स की, यानी कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, यूज ऑफ फर्मी डिराक स्टेट इन द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है जो स्टैटिक्स है वो मेटल्स के लिए लागू होती है। इसके काफ़ी वीडियो जो है हमारे पास चैनल पर उपलब्ध हैं, स्टैटिक्स के अंदर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और दूसरा है इसका बैंड थ्योरी जो ब्लोच थ्योरम है, ब्लोच थ्योरम की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, ब्लॉक पर में इसको हिंदी में भी कहते हैं, ब्लोच थ्योरम भी कहते हैं। तो इसकी बीएससी के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर जो आपको यूनिट मिलेगी वहां पर आप जाके इसको देख सकते हैं। क्रोनीपैनी मॉडल, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है, विग्नर सिटीज अप्रोक्सीमेशन, ये सभी टॉपिक जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर थर्ड की, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट। अब ये फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको चौथे सेमेस्टर के अंदर मिलेगा, जहाँ पर भी फर्स्ट लिखा हुआ है। तो मार्किंग स्कीम तो वही रहेगी 25, 30 और 45 वाली जो सभी के लिए लागू होती है। इसकी यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ स्टेशनरी स्टेट, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आते हैं। यूनिट नंबर दो के अंदर श्रोडिंगर समीकरण आ जाती है, यानी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, द श्रोडिंगर हिंसब्रेक एंड इंट्रैक्शन पिक्चर, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, यानी ये जो ऊपर वाले यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सेकंड नंबर यूनिट में दिए गए हैं। कुछ और टॉपिक्स को ऐड करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर क्या आता है, स्कैटरिंग थ्योरी, स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन, कनेक्टिंग द एंगल एंड द क्रॉस सेक्शन इन द लैब एंड सीएम फ्रेम्स, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल, इस प्रकार से टॉपिक आप देख सकते हैं यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आपके पास लागू होते हैं। तो ये तो पेपर हो गए आपके 3 कंप्लीट। चौथा पेपर जो होता है उसमें से क्या करना होता है, आपको एक पेपर आपको चूज करना होता है जिसमें से आपको पता है कि आपका पेपर कौन सा है, उसी के आप सिलेबस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चारों के सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसे पहला इसमें आता है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है ये देख सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, सर्कुलर वेव गाइड, इस प्रकार से टॉपिक हैं, रेजोनेटर्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट नंबर दो के अंदर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से संबंधित बातें यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, ट्रांसमिशन से संबंधित हैं, रेजोनेटर है, टनल सॉलिड स्टेट रेजोनेटर, इस प्रकार से टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर रडार सिस्टम, यानी रडार से संबंधित जो भी टॉपिक्स आपके अप्लाई होते हैं उसमें माइक्रोवेव भी आता है, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रडार ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन रडार, रडार रेंज इक्वेशन आदि, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब जो है इस यूनिट के अंदर दिए गए हैं। फिर इसके अंदर जो सेकंड है आपका चौथे पेपर के अंदर वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर्स दिए जाते हैं, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड है, डोपिंग कैलकुलेशन, फर्मी लेवल है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये भी एनर्जी बैंड है, ये भी आपको मिल जाएंगे हमारे बीएससी के अंदर भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर दो के अंदर कैरियर ड्रिफ्ट है, कैरियर डिफ्यूजन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट इसका होता है। और सेमीकंडक्टर सरफेस
ये आपका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर होता है। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आता है जंक्शन डिवाइसेस। जंक्शन डिवाइसेस यानी पीएन संधि वगैरह, पीएन इफेक्ट, एनर्जी बैंड गैप, ये बातें जो है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, पीएन डायोड, ये सब है यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आती हैं। फिर इसके अंदर आता है प्लाज्मा फिजिक्स। यहाँ पर आप फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं बेसिक प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूरेंस, प्लाज्मा से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर है। यूनिट नंबर दो के अंदर आप देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल मोशन एंड ड्रिफ्ट, गाइडिंग सेंट्रल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से ये यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। यूनिट नंबर तीन के अंदर आप देख सकते हैं प्लाज्मा फ्लूइड इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं आपको, डीक्यू ऑफ ए प्लाज्मा बाय डिफ्यूजन, एम बायोपोलर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से ये आपके पास यहाँ पर टॉपिक्स जो है वो आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक लास्ट और रह जाता है एनर्जी स्टडीज का, जिसके अंदर आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट है वो सोलर एनर्जी से संबंधित है, टाइप ऑफ सोलर सेल, पीएन जंक्शन सोलर सेल, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, करंट डेंसिटी, सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन हो गया, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ एडवांस सोलर सेल हो गया, टैंडम सोलर सेल हो गया, इस प्रकार से अलग अलग सोलर सेल्स के बारे में यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। यूनिट नंबर दो के अंदर है हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आते हैं सेफ्टी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार की आपके ये जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके टॉपिक्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर। धन्यवाद।